हल्द्वानी में बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिक के बगीचे में गुरुवार को धार्मिक स्थल हटाने के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस हिंसा और आगजनी की घटना में 300 से अधिक पुलिसकर्मी और कर्मचारियों के साथ आम नागरिक घायल हुए हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन दंगाइयों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही है। इसी क्रम में रविवार को नैनीताल के SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा के मामले में पुलिस ने अभी तक 5,000 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही पुलिस के सर्च अभियान के दौरान CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर 25 दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे के साथ अवैध तमंचे और 54 कारतूस बरामद किए गए हैं। वहीं CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर फरार चल रहे आरोपियों की धर पकड़ जारी है। उन्होंने बताया कि इस घटना का सूत्रधार अब्दुल मलिक अभी भी फरार है, जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बनफूलपुरा में जो थाने पे आगजनी और अतिक्रमण के दौरान जो उपद्रव की घटना हुई थी, उसमें आप सबको जैसे पता है हमने 3 FIR रजिस्टर की है। इन तीनों FIR में अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और हमने पिछले 24 घंटे में इन तीनों FIR में मिला के 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ की है। ये जो लोग हैं, इसमें जो थाने पे पथराव हुआ था उस FIR में 12 लोग हैं और जो बाकी 6 लोग हैं वो एक हमारे थाने की जो गाड़ी जलाई थी दूसरे थाने की उसका FIR में है, और 7 लोग जो हैं नगर निगम की तरफ से जो FIR दी गई थी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई है। इन 25 लोगों के कब्जे से अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह से और अलग अलग अभियुक्तों से हमने 7 तमंचे जो कंट्री मेड वेपन होता है वो बरामद किया, और 54 लाइव राउंड जो है वो इनके पोजीशन से बरामद हुए हैं, जो इन्होंने अपने वहाँ पर अपने साथ में रखे हुए थे।